हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम इसका डिटेल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। इसी के साथ इस शेयर के बारे में न्यूज भी बाहर आ रही है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और इसमें जो तेजी चल रही है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि यहाँ के टारगेट और सपोर्ट कहाँ तक बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस पूरा कर ले। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6500 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, तो अच्छा खासा कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन अगर स्टॉक पी चेक करते तो 121 का स्टॉक पी है, तो स्टॉक पी हमें बता रहा है कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो ज्यादा आगे जा चुकी है। आरओसी कंपनी अच्छा खासा दे रही है, 19 का आरओसी है, 13 का आरओई है। आरओसी और आरओई कंपनी का बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ 55 करोड़ का इनपे जो है कर्जा भी है। डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करें तो 0.11% जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है वो 2143 चल रही है। पिछले दो दिनों से इसमें जो अच्छी खासी बढ़त आ चुकी है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से ये 1800 से लेकर अभी 2300 तक ये शेयर जो है पहुंच चुका है। तो इसमें जो बहुत ही अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम इसके प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स अगर ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मार्केट कैप के हिसाब से ये अपनी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पे रैंक करती है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 19 करोड़ का ऑल टाइम हाई का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार बनाया है सितंबर 2021 में। सेल्स चेक करें तो 91 की सेल्स है, वो भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। इसी के साथ अगर सालन प्रॉफिट चेक करें तो वो भी 55 ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। उसके पहले 46 था, 31 था, तो लगभग कंपनी लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती हुई जा रही है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। 2018 से लेकर अब तक इन्होंने लॉस नहीं किया है। सेल्स भी इनकी जो है 270 तक पहुंच चुके हैं, 270, उससे पहले 246 थी, तो अच्छी खासी सेल्स भी कंपनी ने बढ़ाई हुई है, सेल्स भी बढ़ रही है। एसेट्स चेक करें तो एसेट भी 600 के आंकड़ा एसेट्स ने भी पार कर दिया, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसी के साथ प्रमोटर्स की बात करें तो 50% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, 1% एफआईएस के पास, डीआईएस के पास 23% और पब्लिक के पास 24, तो सबके पास अच्छे खासे शेयर्स है। प्रमोटर्स के पास 50% से ज्यादा शेयर्स है, तो ये भी एक अच्छी बात है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और भी चीजें कंपनी के बारे में अच्छी है। इसी के साथ न्यूज जो आ रही है एयरफोर्स के साथ भी इनका जो बिजनेस बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो उसके चलते इसमें जो है तेजी भी आ रही है। न्यूज़ की वजह से जो तेजी आती है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसमें हमें डरने की बात नहीं है। जितनी भी तेजी आती है तो वो होल्ड करने की इसके फंडामेंटल्स में जो है पावर है, तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि अगर न्यूज़ की वजह से जो इसमें तेजी आ रही है उसका हम फायदा उठा सकते हैं। अगर टेक्निकल चार्ट पे आ जाए तो अच्छा खासा वॉल्यूम पिछले दो दिनों में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम जो है लगभग पिछले दो दिनों से जो 10 गुना बढ़ चुका है। प्राइस भी देखे तो 400 से बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पे हम टारगेट चेक करें तो इसी लेवल्स पे अगर देखें तो न्यूज़ के चलते इसमें जो तेजी आ चुकी है, तो इसके हिसाब से 2600 तक ये शेयर जो है जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 30% की जो है इसमें हमें प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट इसमें आते हुए हमें दिख सकता है अगले कुछ दिनों में, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो सपोर्ट आते हुए दिख रहा है वो है 1953 का, मतलब 1900 का इसका जो अच्छा खासा वो एंड 15 का इसका जो अच्छा खासा सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक हमें रुकना है, इससे अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। कंपनी के प्राइस जो है वो बढ़ रही है वॉल्यूम के साथ, इसी के साथ न्यूज भी पॉजिटिव में आ रही है और फंडामेंटल भी कंपनी स्ट्रांग है, तो न्यूज की वजह से इसमें जो तेजी आ रही है इसी के साथ फंडामेंटल भी कंपनी स्ट्रांग है और चार्ट पे भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया।